ये किससे बात कर रही थी आप? मैंने पूछा आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। झूठ बोल रही हैं आप अम्मी। मैंने अभी खुद अपने कानों से सुना है कि आप फरीद भाई के बारे में किसी से बात कर रही थी। नहीं जुनेद, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ, मुझे भी यही लगता था। आप परफेक्ट हैं, आप झूठ नहीं बोलती, आप में कोई खामियां नहीं है। दिल में एक बुत बना रखा था, आज वो बुत टूट गया। ऐसे मत कहो। जब नसीम आंटी ने हमें बताया था ना कि आप फरीद भाई की सगी मां हैं, तब यकीन हो गया था कि ये सब झूठ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप हमसे तो ना छुपाते। फरीद भाई की सगी मां है ना, और ये जिससे आप बात कर रही थी, ये फरीद भाई का सगा बाप, आपका दूसरा शोहर, आपके ये सब भी झूठ है। इस तरह मत बात करो मुझसे, मेरा दिल थम जाएगा। तो और कैसे बात करूं? सारी जिंदगी आपने हम सबको एक धोखे में रखा, झूठ बोलती रही आप हम सबसे। बेटा नहीं हूं मैं आपका बेटा। बेटा मत कहिए मुझे, कुछ नहीं लगता मैं आपसे। सारी जिंदगी मैं आपकी हर बात पर यकीन करता था। ईशर ने मुझे इतनी बताने की कोशिश की कि आप उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं करती रही, मगर मैंने आपकी बात को अहमियत दी। और आपको पता है आपकी बातों पर यकीन करके मैं कितना बड़ा कदम उठाने वाला था। ईशर को जो तुम समझ रहे हो वो सच नहीं है। तो क्या है सच? क्या है सच?